आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। उसके तार कई जगहों पर जुड़े हुए थे, पर वो तार उसने इसलिए जोड़े थे ताकि वो बड़ी पहुंच वाले लोगों पर पकड़ रख सके। वो यह सब इसलिए कर रही थी ताकि वो खुद एक पावरफुल इंसान बन सके। वो लड़की सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का हुनर जानती थी, और जाने कितने ही लोग उसकी खूबसूरती और बेबाक नेचर के दीवाने थे। वो बहुत जल्द बुलंदियों को हासिल करना चाहती थी, जिसके कारण वो कई बाबाओं के चक्कर लगाती थी, ऊंचे ऊंचे रसूखदार लोगों से मिलना जुलना, बेहद स्टाइलिश ज़िंदगी जीना, ये सब उसने बहुत छोटी उम्र में पा लिया था। उसके पास न पैसे की ही कमी थी और ना ही काम की, लेकिन इन सब के बीच एक दिन पुलिस को उसी लड़की की लाश एक नहर से बरामद होती है और सभी में सनसनी फैल जाती है। शानदार बंगले में रहने वाली बड़ी बड़ी कारों की शौकीन उस मॉडल की लाश जब सबके सामने आई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी छत्तीसगढ़ भिलाई की है। छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण प्रदेश है, यहाँ आम लोगों के अलावा आदिवासी भी रहते हैं। लोगों की माने तो जिस वक्त छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस वक्त छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब रियासतों की जमींदारी से है। उन छत्तीसगढ़ों की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आज रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ साथ उस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। इस राज्य में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करके ही पैसा कमाते हैं। यहाँ पैदा किए जाने वाले मुख्य अनाजों में चावल है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ की वेशभूषा में लिनेन, रेशम और कपास जैसे कपड़ों का उपयोग किया जाता है। इनकी मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी ही है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में ऐसी ज़मीन है जो बिना किसी भूकंप के ही हिलती रहती है। कुदरत के इस गजब खेल को देखने के लिए सैलानी अक्सर जाया करते हैं। छत्तीसगढ़ टीन का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता राज्य है। छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट पूरे भारत में रेलवे ट्रैक का एकमात्र निर्माता है। तो ये तो रही बात छत्तीसगढ़ की, अब आते हैं आज की कहानी पर। धमतरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले राकेश यादव टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके छोटे से परिवार में पत्नी ममता यादव, बेटी आंचल और बेटा सिद्धार्थ यादव थे। दोनों बच्चों में बेटी बड़ी थी। आंचल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और ग्रेजुएशन के बाद उसने एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। आंचल बेहद ग्लैमरर थी, जिसका वो बहुत फ़ायदा उठाती थी। बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वो अपनी मनमानी किया करती थी, इसी कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो आंचल को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। उसका चाल चलन और रख रखाव उन्हें पसंद नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद आंचल रायपुर के वीआईपी कॉलोनी में एक बंगले में अकेले रहने लगी थी। आंचल बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ जीने की शौकीन थी। वह दूसरों को लुभाने में माहिर थी। वह अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी। वो बहुत एम्बिशियस और मेहनती भी थी, लेकिन उसके आसपास के लोगों को वो बहुत अजीब लगा करती थी। जो लोग ज़िंदगी में हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लोगों से हेर फेर करते हैं, या फिर वो जिस रिश्ते में होते हैं उसमें हेर फेर करते हैं, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में हेर फेर करना उनकी एक अनोखी कला है। और हेर फेर के भयानक रास्ते पर चलते हुए वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि कभी कभी वो अपनी हद पार कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आंचल यादव के साथ। उसकी ज़िंदगी जीने के इस ख़ास तरीके के कारण ही 26 मार्च 2019 को भिलाई की गंग रेल नहर में नहाए गए लोगों को आंचल की लाश तैरती हुई मिली। पहचान से नावाकिफ पुलिस ने जब लाश को निकाला तो पता चला कि लड़की की उम्र कुछ 29-30 साल के आसपास होगी। लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और गले में भी रस्सी पड़ी हुई थी। रस्सी को भी एक भारी पत्थर से बांधा गया था, जिससे कि लड़की की बॉडी पानी के अंदर ही रह जाए। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने लड़की की लाश पहचानने की कोशिश की, मगर कोई पहचान नहीं पाया। लड़की कुर्ता और शलवार पहने थी। उसकी हथेली पर ए यादव लिखा था और लेफ्ट हैंड पर एक पंखुड़ी का टैटू बना हुआ था। लड़की के कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि वो किसी धनी और संपन्न परिवार से होगी।
पहचान करने के लिए पुलिस ने शव की फ़ोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवा दी। सोशल मीडिया पर फोटो डालते ही पुलिस को लोगों के रिस्पांस मिलने शुरू हो गए थे और कुछ लोगों ने लड़की की शिनाख्त आंचल यादव के नाम से की। पुलिस को अब लड़की का नाम तो पता चल गया था, लेकिन बाकी जानकारी जुटाना अभी बाकी था। लोगों के जरिए ही पुलिस को आंचल यादव की खुद की फेसबुक प्रोफाइल भी मिल गई थी, जिनमें से एक फ़ोटो में टैटू लाश की टैटू से हूबहू मैच हो रहा था। इतना पता चलने के साथ ही पुलिस को यह भी पता चल गया कि आंचल गुरूर से 5-6 किलोमीटर दूर धमतरी की विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी। पुलिस अब आंचल के परिवार तक पहुंच चुकी थी। आंचल की शिनाख्त उसके भाई सिद्धार्थ ने की थी और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने आंचल का शव उसके घर वालों को सौंप दिया था। आंचल के बारे में पूछने पर उसकी माँ ने बताया था कि आंचल एक दिन पहले यानी कि 25 मार्च को रायपुर की कोर्ट में किसी पेशी के चलते धमतरी आई थी। रात में 9 बजे के आसपास उसको किसी की कॉल आई और फिर वो निकल गई। उसकी माँ ने उसे जाने से रोका था, मगर वो मानी नहीं और चली गई। अब पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया तो पता चला कि आंचल एक ग्लैमरर जिंदगी जीने वाली लड़की थी और उसका छत्तीसगढ़ के कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना था। वो अक्सर रायपुर की लेट नाइट पार्टीज़ में भी नज़र आती थी और उसको लग्जरी कार का भी शौक़ था। कुछ लोगों का मानना था कि वो मॉडल थी, हालांकि उसे किसी टीवी शूट या कभी किसी एड में नहीं देखा गया। आंचल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। रोज़ाना उसकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड होती रहती थी। फेसबुक पर आंचल के 25,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि आंचल को चाकू घोंपकर मारा गया है, मगर यह पता नहीं चल पाया था कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या नहीं। यह भी बताया गया था कि आंचल की बॉडी कम से कम 12 घंटे पहले नहर में फेंकी गई होगी, जिससे यह अंदाज़ा लग गया कि उसको घर से निकलने के कुछ समय बाद ही मार दिया गया होगा। पुलिस को आंचल के पास से कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं मिला था। आंचल के संबंध हमेशा से ही हाई प्रोफाइल लोगों से रहे थे। ऐसे में पुलिस ने आंचल से जुड़े सभी करंट और पास्ट के लोगों को शक के घेरे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके अलावा धमतरी में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी छानी गई। आंचल की मोबाइल फ़ोन के लोकेशन की भी हिस्ट्री चेक की गई, मगर कुछ भी प्रूफफुल सामने नहीं आया। इस हत्याकांड की जाँच के लिए कुल 5 टीमें बनाई गई थी। ये सभी टीम्स अलग अलग दृष्टिकोण से काम कर रही थी। आंचल ने रायपुर की VIP रोड पर 35,000 रुपये किराए पर बंगला ले रखा था। 28 मार्च को जब पुलिस ने उसके बंगले की तलाशी ली तो CD, लैपटॉप, पेन ड्राइव और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के लिखे गए कुछ डॉक्यूमेंट मिले, मगर आंचल की हत्या से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। पुलिस ने इन सब चीज़ों की भी छानबीन की कि आंचल कब किस समय किसके साथ जाती थी और किन किन लोगों से ज़्यादा संपर्क में थी। इतनी महंगी और ग्लैमरर जिंदगी जीने का उसका जरिया क्या था? साइबर सेल से मिले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25 मार्च के दिन आंचल के फ़ोन पर 35 से भी ज़्यादा लोगों के कॉल आए थे। इन रिकॉर्ड्स में हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर के कुछ उसके दोस्त भी थे। पुलिस को यह भी पता चला था कि जगधरपुर के एक आदमी ने आंचल के पिता से 50 लाख रुपये में उनका धमतरी वाला मकान और ज़मीन खरीदी थी, मगर बाद में उनकी मानसिक हालत ख़राब होने के कारण आंचल ने इस सौदे से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने आंचल के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया था। पुलिस ने इस आदमी से भी पूछताछ की थी, मगर कुछ भी सामने नहीं आया। छानबीन में पता चला कि 2014 में उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के साथ अपनी एक अश्लील CD बनाकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो अधिकारी चालाक था, वो आंचल के ब्लैकमेलिंग के जाल में नहीं फंसा और उसने आंचल के ही खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसकी वजह से आंचल को कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा था। जब पुलिस ने आंचल के घर से मिली पेन ड्राइव और CD का मुआयना किया तो उसमें आंचल के कई लोगों के साथ आपत्तिजनक वीडियोस थे, जिसके बल पर वो लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। आंचल के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना था और वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। इनमें कई लोगों के वीडियो रिकॉर्डिंग्स थे। हालांकि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस सबकी पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुलिस को ये पता चल रहा था कि ये बड़ी पहुंच वाले लोग थे। अब इस केस में आंचल यादव के बारे में और भी बहुत कुछ सामने आने वाला था।
आगे की छानबीन में पता चला कि आंचल काला जादू भी किया करती थी। लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की शक्ति हासिल करने के लिए। उसे वो शक्ति हर हाल में हासिल करनी थी, जिसके लिए वो कई बाबाओं के संपर्क में आई थी। आंचल काफ़ी समय से तंत्र साधना किया करती थी। बंगाल के एक तांत्रिक बाबा से उसका मिलना जुलना था। वो तांत्रिक के पास सम्मोहन विद्या सीख रही थी। इस सिलसिले में वो अक्सर तांत्रिक के पास जाती थी। कत्ल के कुछ समय पहले भी वो तांत्रिक से मिली थी। यहाँ तक कि आंचल ने उसे 25 लाख रुपए भी दिए थे। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस के लिए ये एंगल भी काफ़ी अहम हो सकता था। आंचल तरक्कियों की बुलंदियों पर थी। वो हमेशा सोशल साइट्स पर अपनी पोस्ट्स डाला करती थी। उसका बोल्ड और हॉट लुक उसके फैंस को काफ़ी पसंद आता था, लेकिन कई बार उसके बोल्ड लुक के वजह से उसके दुश्मन भी बन रहे थे। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही थी कि कहीं सोशल मीडिया पर उसका कोई दुश्मन तो नहीं, उसके किसी फैन का उसके कत्ल में कोई हाथ तो नहीं है। पुलिस ने आंचल के मर्डर के बाद कई लोगों से सवाल किए। आंचल के पास काफ़ी धन संपत्ति थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसका छोटा भाई था, जो ऑटो ड्राइवर था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि उसकी संपत्ति का फ़ायदा किसको मिल सकता है। आंचल के दोस्तों और जानने वालों से भी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उनके खिलाफ भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। और पुलिस के टीम के आंचल के गाँव जाने से इस केस में एक नया मोड़ आ गया था। इसने दोषी को बेनकाब कर दिया था और ये इस केस की जांच कर रही टीम को बेहद हैरान कर देने वाला था। दरअसल सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग में भोकार पुलिस के रडार में आ गई थी, जिसमें आंचल की लाश को नहर तक ले जाया गया था। वो खुद आंचल की ही कार थी और उस कार में से आंचल के भाई सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट मिले थे। अब पुलिस, जो आंचल की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जोरों शोर से लगी हुई थी, उनकी तलाश खत्म हो चुकी थी। 27 मार्च को जब पुलिस ने आंचल की मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ यादव से पूछताछ की, तो उनके हाथ कुछ नए सुराग लगे, जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को अलग डायरेक्शन में मोड़ा। और सभी जरूरी पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद 30 मार्च को पुलिस ने आंचल के भाई सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ के बयानों के आधार पर उसकी माँ ममता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आंचल रहती तो रायपुर में थी, मगर उसकी काली करतूतें उसके घर धमतरी तक पहुंचती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ को शर्म महसूस होती थी। इसके अलावा उसके छोटे छोटे कपड़े पहनना और शराब पीना भी उसकी माँ और भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब आसपास के लोग आंचल को लेकर ऐसी वैसी बातें बनाते थे, तो माँ और बेटे दोनों को ही आंचल पर बहुत गुस्सा आता था। इसके अलावा आंचल सिद्धार्थ को ताने भी मारती थी। आंचल ने 3 कुत्ते पाल रखे थे, जिनमें से एक कुत्ते का नाम उसने रखा था जिमी। असल में जिमी सिद्धार्थ का भी नाम था। वो सिद्धार्थ को अपने टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता कहती थी। 25 मार्च को आंचल धमतरी पेशी के सिलसिले में आई थी। शाम को 7 बजे जब वो अपनी ब्लैक कार से घर पहुंची, तो फिर उसकी सिद्धार्थ के साथ बहस हो गई। गुस्से में सिद्धार्थ ने आंचल को 2 तमाचे जड़ दिए। तिलमिलाई हुई आंचल ने अपने बैग से चाकू निकालकर सिद्धार्थ के तरफ झपट्टा मारा, तो चाकू सिद्धार्थ के हाथ में लगने से उसने अपना आपा खो दिया। उसने चाकू आंचल से छीन लिया और उसी चाकू से उसको तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। माँ ममता जब कमरे में आई, तो उसने देखा कि आंचल खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई है और उसकी सांसें थम चुकी थीं। माँ भी आंचल की हरकतों से तंग ही थी, इसलिए उसने अपने बेटे का साथ देना ही सही समझा। बॉडी को घर पर ही पड़ा छोड़कर सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर बाइक से मकई चौक गया। वहाँ पर उसने एक पान की दुकान पर पान खाया और फिर म्यूनिसिपल स्कूल के पास आकर आंचल का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर वापस लौटकर माँ की मदद से बॉडी को आंचल की कार की डिक्की में रख दिया। पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए कार को पतली गलियों से निकालता हुआ वो नहर तक ले गया और फिर बॉडी में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर बॉडी को नहर में फेंक दिया। उसने आंचल की घड़ी, मोबाइल और ब्रेसलेट, इन चीज़ों को निकालकर कहीं और फेंक दिया। घर वापस लौटने तक माँ ने घर की साफ सफाई तो कर ही दी थी और कार की सफाई सिद्धार्थ ने कर दी। सिद्धार्थ से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसकी कलाई में कट का निशान देखा था, जिसको लेकर उसने और उसकी माँ ने अलग अलग बातें बताई थी और तभी से वे दोनों शक के घेरे में आ गए थे। कलाई का इलाज करवाने की बात पर भी दोनों ने अलग अलग क्लिनिक का नाम बताया था।
पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उन्हें कार में खून के धब्बे मिले थे और फिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर भगवती अस्पताल के पास रात करीब 9 बजे आंचल की कार निकलती हुई देखी गई। कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट कंफर्म कर लिए गए। सिद्धार्थ के निशानदेही पर पुलिस ने आंचल की घड़ी, ब्रेसलेट और मोबाइल भी बरामद कर लिए थे और वो चाकू भी मिल गया था जो कि मर्डर वेपन था। आंचल की लाश 26 मार्च 2019 को पुलिस को बरामद हुई थी और इस घटना के करीब 3 साल बाद इस मामले में छत्तीसगढ़ की बालौद अदालत ने मॉडल आंचल के भाई और माँ को सज़ा सुनाई। भाई को उम्र कैद जबकि माँ ममता को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। चौंकिए मत, यही सच है। सिद्धार्थ अपनी बहन के लाइफस्टाइल से नाराज़ था। उसे आंचल का बोल्ड लुक पसंद नहीं था। इस पूरी कहानी में किसके साथ धोखा हुआ? कोई इंसान कुछ भी पाने के लिए लोगों को धोखा दे सकता है। अपने स्वार्थ और कुछ भी पाने की जिद में वो अपने किसी भी कदम को सही ठहरा सकता है, लेकिन ऐसा करके कोई इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है? आंचल की हत्या को उसके बुरे कर्मों की सज़ा बताकर इस अपराध को उचित ठहराया जा सकता है या नहीं, इस विचार के बारे में अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।